एवरीवन, आई एम फरहत जान, साइकोलॉजिस्ट एंड द ट्रेनर. वेलकम यू एवरीवन इन द लर्नर्स एकेडमी. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोर्स ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड द मेजरमेंट. वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 9 ऑफ आर लेक्चर्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द मेन कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेस्ट. इन टूडेज लेक्चर, डेट इज़ लेक्चर नंबर 10, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेस्ट कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन का क्या प्रोसेस है, कैसे टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं. तो वो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, देयर आर द 5 मेन स्टेप्स विच वी फॉलो व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग एनी टेस्ट. फर्स्ट स्टेप इज़ द टेस्ट कंसेप्चुलाइजेशन. टेस्ट कंसेप्चुलाइजेशन इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन स्टॉर्मिंग. क्या आपने यू वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट एनी टेस्ट. सो जो टेस्ट कंस्ट्रक्टर है वो बैठ के सोचेगा कि उस वो आइडिया बनाएगा कि उसने किस तरह का काम करना है, कौन से मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, अपना जो इंटरेस्ट है उसका क्या है. ये सारी चीज़ें जिसमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी काम होगा, जो प्लानिंग होगी आपकी सारे टेस्ट कंस्ट्रक्शन की, वो आपका स्टेप नंबर 1 है, जिसको हम लोग टेस्ट कंसेप्चुलाइजेशन कहते हैं. आफ्टर द टेस्ट कंसेप्चुलाइजेशन, सेकेंड स्टेप इज़ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन. डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वेल कंस्ट्रक्टिंग, वेल मेकिंग, वेल डेवलपिंग एनी टेस्ट. ठीक है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, डेट इज़ स्केलिंग. स्केलिंग होता है जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं हम किसी चीज़ को. ठीक है, तो वो उसको हम लोग स्केलिंग कहते हैं. अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स होते हैं, लाइक एज स्केल्स होते हैं. एज स्केल्स वो होते हैं जिनको पर्टिकुलर एज ग्रुप पे ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. फिर कुछ ग्रेड स्केल्स होते हैं. ग्रेड स्केल्स वो होते हैं जिनको हम लोग पर्टिकुलर जो है ना ग्रेड के लोगों पे, पर्टिकुलर ग्रेड के सैंपल पे कर सकते हैं. लाइक वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ द एकेडमिक टेस्ट, जिनको हम लोग या तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, या स्कूल स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ग्रेड है, ग्रेड के हिसाब से उस स्केल को कंस्ट्रक्ट किया गया है. तो वो जो ग्रेड के अकॉर्डिंग होगा उसको ग्रेड स्केल कहेंगे. फिर हमारे पास आते हैं स्टेनाइन स्केल्स. स्टेनाइन स्केल्स वो होते हैं जिसमें स्कोर जो है वो 1 to 9 की रेंज में हम लोग करते हैं. ठीक है, उसको स्टेनाइन करते हैं. फिर डिफरेंट स्केलिंग मेथड्स को फॉलो किया जाता है. लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड इज द मेथड ऑफ द पेयर्ड कंपैरिजन, जिसमें आपका जो रिस्पोंडेंट है या टेस्ट टेकर है जिस पे आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, उसको आप जो है वो डिफरेंट आप उसको देते हैं कंपैरिजन के लिए. दो तरह के स्टिमुलाई देते हैं, फिर आप उसे पूछते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. दोनों अल्टरनेटिव स्टिमुलस होते हैं. ठीक है, और आपका जो रिस्पॉन्डेंट है वो कंपेयर करके बताएगा कि अच्छा इसका ये है, ये इस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, हम इनको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास एक स्केलिंग मेथड होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट पिक्चर्स या पिक्टोरियल फॉर्म में या इमेजेस जो है रिस्पोंडेंट को दिखाते हैं, देन उनसे रिस्पांस कलेक्ट करते हैं. तो ये तो हमारे हो गए स्केलिंग मेथड. स्केलिंग मेथड जब हम लोगों ने अपना स्केल डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने कौन सा स्केल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, आफ्टर दिस हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. डैट इज़ द राइटिंग आइटम्स. क्या आपने डिसाइड कर लिया स्केल, देन यू गो फॉर राइटिंग योर आइटम्स. क्या आपने किस ऑर्डर में आइटम को अपने स्केल में, अपने टेस्ट में इंक्लूड करना है, कौन कौन से आइटम्स को आपने इंक्लूड करना है, कितने आइटम्स आपके स्केल के होने चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये राइटिंग आइटम्स वाले स्टेप में डिस्कस होती हैं. फिर आइटम फॉर्मेट होता है. डिफरेंट फॉर्मेट्स को फॉलो किया जाता है फॉर राइटिंग द आइटम्स, जिसमें दो बेसिक फॉर्मेट्स हैं. वन इज़ द सिलेक्टिव रिस्पॉन्स फॉर्मेट एंड सेकेंड वन इज़ द कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट. अब जो सिलेक्टेड या सिलेक्टिव रिस्पॉन्स फॉर्मेट है, उसमें आपका जो रिस्पॉन्डेंट है या टेस्ट टेकर है उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लाइक ट्रू फॉल्स हैं, या तो उसने ट्रू को सिलेक्ट करना है या फिर फॉल्स को सिलेक्ट करना है. सिमिलरली लिकेट टाइप स्केल्स होते हैं जिसमें 4 to 5 आपके पास ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट आपका जो रिस्पॉन्डेंट है वो सिलेक्टिव आंसर कर सकता है. इसके अलावा हमारे पास जो एक और आइटम रिस्पॉन्स फॉर्मेट आता है, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स फॉर्मेट कहते हैं, जिसमें आपका जो है रिस्पॉन्डेंट है वो इजीली अपने अपने ओपिनियन को शेयर कर सकता है इन द डिटेल वे. ठीक है, उसमें उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो जस्ट इतना ही आंसर करेगा. ठीक है, तो आपका लाइक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, जिसमें रिस्पॉन्डेंट अपनी मर्जी के मुताबिक जो है रिस्पॉन्स कर सकता है, उसमें उसके पास कोई सिलेक्टेड ऑप्शंस नहीं होते हैं. ठीक है, जब आपने आइटम्स को फॉर्मेट भी दे दिया, राइट भी कर लिया, देन यू मूव स्कोरिंग ऑफ द आइटम्स. क्या आप लोगों ने आइटम्स को स्कोर कैसे करना है, ठीक है, क्या रेंज होगी, कौन सा मॉडल आप फॉलो करेंगे. तो ये सारे स्टेप्स हम लोग देखते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन वाले प्रोसेस में. थर्ड स्टेप ऑफ एनी टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज ट्राई आउट. टेस्ट ट्राई आउट
थर्ड स्टेप है जिसमें आपने जो आइटम्स अपने फॉर्मुलेट किए हैं, आपने जो सारा आपने प्लान किया, नाउ देयर इज़ अ टाइम कि आप अपने डिसाइडेड सैंपल पे उस टेस्ट को या उस स्केल को अप्लाई करते हो. तो जब आप अपने टेस्ट को अप्लाई कर रहे हो तो डैट इज़ द स्टेप ऑफ द ट्राई आउट. ठीक है, अच्छा आपने रिस्पॉन्सेज ले लिए, आपने टेस्ट अप्लाई कर लिया, आपका जो भी डिजायर्ड सैंपल था, आफ्टर डैट यू विल गो फॉर द फोर्थ स्टेप ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन, डैट इज़ एनालिसिस. एनालिसिस मीन्स स्टेटिस्टिकल एनालिसिस. स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में वी एडमिनिस्टर द डिफरेंट स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स ऑन आर गैदर डाटा एंड देन वी डिसाइड कि हमारा जो टेस्ट है वेदर इट इज़ रिलायबल, वैलिड और नॉट. ठीक है, जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं उसमें आइटम रिलायबिलिटी इंडेक्स को बनाया जाता है, आइटम वैलिडिटी इंडेक्स होती है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो है, ये डिफरेंट एनालिसिस हैं जिनको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हैं जिनको फॉलो किया जाता है. और इसके बाद जो है फाइनल हमारे पास आता है कि हमने अपने टेस्ट में कितने आइटम्स को रखना है, कौन से आइटम्स हैं जो वाकई में हमारी डोमेन को मैयर कर रहे हैं, जिस जो हमारी इंटरेस्टेड डोमेन है हम लोग उसको मैयर कर रहे हैं. ठीक है, फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज टेस्ट रिविजन. टेस्ट रिविजन वो स्टेप है जिसमें आपके पास जब स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बाद आपको जो रिजल्ट आता है उसके बाद आप टेस्ट को रिवाइज करते हैं, आप दोबारा एक और न्यू सैंपल पे उसको रिवीजन कर रहे होते हैं. न्यू सैंपल अपना जो मतलब सैंपल तो वही होगा लेकिन कुछ और लोगों पे आप उसको करते हैं, अप्लाई करते हैं. ठीक है, वहाँ से फिर आपको पता चलता है कि अच्छा फाइनली आपके पास कितने आइटम्स हैं. बिकॉज जब हम लोग टेस्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन और ये सारे राइटिंग आइटम्स वाला स्टेप्स जो हो रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं. ठीक है, यू कैन से कि इफ़ द इनिशियल स्टेज यू हैव 100 स्टेप्स. तो जब आप एनालिसिस के स्टेप से गुजरते हैं तो मे बी आपके पास फाइनली आपका जो टेस्ट हो उसमें जस्ट 20 आइटम्स इंक्लूडेड हों. ठीक है, सो इट इज़ अ लॉन्ग एंड द लेंथी प्रोसेस और ये डिफरेंट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बाद हमारे पास जो है इसका फाइनल कंक्लूजन है, फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है कि कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो हमारे टेस्ट का पार्ट होंगे. सो इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस्ड 5 स्टेप्स, टेस्ट conceptualization, test construction, उसके बाद test tryout, then analysis and the fifth step is the test revision. Hope so ये आपको clear होगा. That's from today's lecture. Thank you.